Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद होगा आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हमारे पास खड़ी है यमा की FG25 और बाइक यार 250cc में मेरे को तो भाई काफ़ी सही लगी बाइक। सो गाइस, ऐसी कुछ दिखती है यमा की FG25 और मैं पहले इसकी हेडलाइट आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ इसके DRLs चलते हैं, ठीक है, काफ़ी सही लगती है। और ये आप देख सकते हो, ये वाले आपको प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको सेम R15 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये इसका ब्लैक कलर है, इसमें चार कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले मैं इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। और ये ऑयल कूल इंजन के साथ आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑयल कूल इंजन के साथ आती है। सो गाइस, इसका साइड लुक कुछ ऐसा है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको यमा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे FG25 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ऐसी कुछ दिखती है भाई बाइक पीछे से। तो भाई पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, मैं अभी टेल सेक्शन आपको जला के दिखा दूँगा। सो गाइस, ऐसा कुछ इसका टेल सेक्शन है, देख सकते हो भाई। यहाँ से बाइक दिखने में काफ़ी सेक्सी लगती है। और ये आप देख सकते हो, ये हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाते हैं जो R15 में पहले आते थे और अब कंपनी ने चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे आपको हगर देखने को मिल जाता है और काफ़ी सही है भाई। यहाँ पे आपको मोनो शॉक्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इंडियन रोड के हिसाब से भाई ये ठीक है, लेकिन भाई अगर इसमें ये होते ना तो भाई मज़ा आ जाता। सो गाइस, इसमें आपको मिल जाता है 249cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यमहा का ये इंजन 249cc का। तो भाई इसकी पावर की बात करें तो आपको इसमें 20 BHP की पावर मिलती है 8000 RPM पे और 20 Nm का टॉर्क मिलता है 6000 RPM पे। गाइस कुछ इसका ऐसा एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है ये वाला एग्जॉस्ट मेरे को, इतना कोई खास नहीं लगता। और बात करें इसके ब्रेक्स की, तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे एल्युमिनियम ऐसे कुछ ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रबड़ में भाई इसके फुटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि फोल्डेबल हैं। और यहाँ पे आपको स्पोर्टी लुक के लिए भाई थोड़े बहुत ये ऐसे वाले फुटर्स देखने को मिलते हैं। गाइस, इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, 2 लीटर की आपको इसमें रिजर्व फ्यूल देखने को मिल जाती है। राइडिंग रेंज की बात करूँ गाइस, तो इसमें आपको 532 किलोमीटर्स की राइडिंग रेंज देखने को मिल जाती है। और एवरेज की बात करूँ गाइस, तो 42 KMPL की एवरेज देखने को मिल जाती है। और भाई लगभग टॉप स्पीड की बात करूँ जो कंपनी क्लेम करती है, तो भाई 130 की टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो भाई ऐसा कुछ इसका मीटर दिखता है, ऐसे स्वाइप होता है। और मैं बता दूँ, इसमें आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, फ्यूल गेज मीटर देखने को मिल जाता है, RPM देखने को मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट का देखने को मिलता है, फिर यहाँ ABS का देखने को मिल जाता है, फिर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, हाई बीम देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ लाइट का देखने को मिल जाता है, पास यहाँ देखने को मिल जाता है। और भाई थ्रो काफ़ी अच्छा है लाइट का। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसी कुछ है बाइक FG25 और टेल सेक्शन आप देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा है। गाइस बात करें इसके ग्रैवल्स की, तो काफ़ी मजबूत आपको ग्रैवल्स देखने को मिल जाते हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये इसका टेल टाइडी है तो ठीक लगती है। गाइस इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक की, तो भाई इसमें बाइवियर्स के आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। और साइज़ की बात करें तो 282 mm का आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और रियर की बात करें गाइस, तो आपको इसमें 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। 17 इंची के आपको अलॉयज देखने को मिल जाएंगे पीछे। और 140 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिलेगा, MRF का 140 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस फ्रंट में आपको इसमें आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑल ओवर देखी जाए तो बाइक यार ठीक है दिखने में। और जो इसमें आपको एवरेज मिलने वाला है भाई, अगर आप सिटी राइड करते हो तो सिटी राइड के हिसाब से एवरेज काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। 40-43 की एवरेज आपको इसमें मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छे से आप चलाएंगे तो भाई और भी अच्छी एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपके राइडिंग उस पर डिपेंड करता है। तो देखी जाए तो भाई बाइक का लुक काफ़ी सही है। आपको सामने फ्रंट में LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और मैं बता दूँ गाइस, इसका अभी नया वेरियंट भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, तो उसका आप लोग वेट करिएगा लेने के लिए। सो गाइस कर्व वेट की बात करें तो 153 kg का आपको इसमें कर्व वेट देखने को मिल जाता है। लेंथ की बात करें तो 2015 mm की लेंथ आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल वेट की बात करें तो 775 mm की वेट मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो 1360 mm का आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा। और बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, ठीक है गाइस। और इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलती है, अगर आप स्टैंड लगाते हो तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। सो गाइस सीट की बात करें तो आपको इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, ठीक है। और यमा का प्रोडक्ट है भाई, तो जान सकते हो रिफाइनमेंट किस लेवल की होगी। रिफाइनमेंट काफ़ी सही है बाइक की, ठीक है। मैं एक बार आपको चला के भी दिखा देता हूँ एग्जॉस्ट, इसका एग्जॉस्ट साउंड क्या है। सो गाइस इसका कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट है, देख सकते हो।
तो गाइस ऐसा कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट था, ठीक है। और फ्रंट का लुक आप देख ही लिए हो भाई, कितना मस्त लगता है एलईडी। ये वाली एलईडी भाई काफ़ी अच्छा वर्क करती है, क्योंकि आर्बन 5 में भी आती है और थ्रो काफ़ी अच्छा है एलईडी का। बाइक ओवरऑल देखी जाए तो काफ़ी सही है। और आपको अगर ये परचेज़ करनी तो आप यमा आलमबाग आ सकते हो, ठीक है। सो गाइस इसके प्राइस की बात करें तो 150 एक्स शोरूम पड़ेगी, और ऑन रोड भाई अपने नज़दीकी शोरूम में जाके आप पता कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय।